हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार, आपकी नाइन्थ की मैथ लेकर के। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको आने भी लगा। आज हम थर्ड चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊँगा। ये मेज वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगी, खटिया होगा, तख्ता होगा, कुछ होगा ना, उस पर लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे पहले के ज़माने में। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट हो गई है, ढीवरी जिसे बोलते हैं, मतलब मिट्टी का तेल भरते थे कांच की शीशी में, उसमें ऊपर बाती लगा के जलाते थे। जैसे ये स्याही वाला है ना, ऐसे इसमें मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जलता था, ऐसे रख देते थे, जलता रहता था, पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था। आज के ज़माने में अब लोगों को दिखेगा नहीं उतनी लाइट में, ठीक ना, लेकिन हम लोग को बहुत मज़े से दिखता था क्योंकि वैसे खान पान भी होता था गांव में, देहात में, है ना, मिलावट नहीं होती थी। तो दोस्तों, फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए और तब आपको समझ में आता है। देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मान लो आपका स्टडी टेबल है, ठीक, इस पर ये लैंप रखा है। वैसे ये सैनिटाइजर है पतंजलि का, लेकिन ये लैंप है मान लो। अब आपको स्थिति बतानी है कि ये लैंप जो है इस टेबल मेज पे, यानी मेज पे किस जगह पे, यानी कैसे रखा है। तो कैसे बताओगे, देखो आप ये बताओगे कि हम जिस साइड से बैठे हैं उधर से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है ना, ठीक। और ये बाएं साइड से, ये लैंप बाएं साइड से कितना दूर है इसको आप नाप लोगे। ये देखो 15, और ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, मतलब 28 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि ये लैंप हमारी तरफ से जिधर से हम बैठे हैं उधर से 15 सेंटीमीटर दूर है, और बाएं तरफ से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। बाकी वैसे नहीं बताओगे कि रखा है बीच में, लेकिन कहाँ रखा है ज्योमेट्री में आपको करेक्ट बताना पड़ेगा ना। मतलब ये कहने का है कि हम जिधर से बैठे हैं हमारी साइड से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, और जबकि बाएं साइड से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से अगर यहाँ पे ये ना भी रहे, हटा भी दो, बाद में भी कोई लाके इस पर रख सकता है। कैसे, इधर से 15 नाप लो और इधर से 28 नाप लो, ऐसे। तो जहाँ पे ये जाके मिलेगा उसी जगह पे ले जाके रख देंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर दूसरा देखिए, क्लास 9th NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन समझने का एक फेर है बस। ये कहानी है एक प्रकार की, बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए समझो। अभी ये सिर्फ आधा क्वेश्चन लिखा है, अभी इतना और भी है दूसरा, ठीक है। कहानी समझो क्या है। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। भाई, नगर बहुत से होते हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य सड़कें होती हैं जिन्हें हाईवे बोलते हैं, जो बहुत चौड़ी बड़ी होती हैं। बाकी छोटी मोटी गली मोहल्लों में सड़कें जाती हैं, वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि जैसे मान लो एक शहर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो मुख्य सेंटर है, जैसे मान लो संगम मान लो, तो वहाँ पर दो सड़कें क्या करती, मिलती हैं। आगे कह रहा है कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। मतलब एक सड़क ऐसे ऐसे है, तो एक सड़क ऐसे गई है, बीच में एक जगह कट रहा है जहाँ चौराहा बन रहा है। आगे समझो क्या है। कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की और जो सड़कें हैं इन दो सड़कों के समांतर, मतलब अगर एक सड़क ऐसे है तो दूसरी फिर ऐसे नहीं निलंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे 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 और भी ढेर सारी सड़कें हैं, और इधर में भी बहुत सारी सड़कें ऐसे ऐसे अभी बना के दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक। समांतर दूरी पर है। आगे कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब हर दिशा में लगभग 5 सड़क है। एक सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो भैया देखो, कह रहा कि एक सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना, अगर हम 200 मीटर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमारा बोर्ड जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम खींच पाएंगे नहीं। इसलिए क्या करेंगे, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। इसलिए जहाँ 200 मीटर खींचना, वहाँ 1 सेंटीमीटर खींच देंगे, इतना बड़ा छोटा सा बस हो गया, उतने में आ जाएगा,
ठीक, तो चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? जल्दी करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हम फिर आगे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। आप ध्यान से समझना, ये मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। ये है नगर की दो मुख्य सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। कहीं जब चित्र बनाते हैं तो ऊपर साइड उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, याद रखना, ठीक? कहीं अगर कॉपी में फिगर बनाओगे या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ यानी कि दाहिने, जो उत्तर है उसके दाहिने साइड हमेशा पूर्व होता है। दाहिने साइड क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, जिसे वेस्ट बोलते हैं, उसे ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो क्वेश्चन फिर से आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखवा दिया था, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी कॉपी खोल लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा, चूँकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, तो मिल भी गई केंद्र पर। आइए, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिल रही हैं, यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये क्या है? नगर का केंद्र है, ये सेंटर है। आगे जो कह रहा है वही करते जाओ, क्वेश्चन समझना, केंद्र पर मिल गई। आगे कह रहा कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब इन्हीं सड़कों के समानांतर 200 मीटर दूरी पर हैं लगभग, और हर दिशा में 5 सड़क है। तो मतलब इधर भी 5 सड़क है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5-5 सड़क है। तो चलो खींच लेते हैं, एक सड़क तो ये हो गई, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं यहाँ से, मतलब 5 खींचो इस पे से, एक, देखो ध्यान से, दो, खींच लो फटाफट, तीन, इसी तरह से फिर चार, फिर पाँच। देखो अब हमने इसके समांतर 5 सड़क खींच दिया, नॉर्थ साउथ वाली जो सड़क थी इसके समांतर हमने 5 सड़क इधर खींच दिया, 5 इधर खींच दिया। इसके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है, मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और वास्तव में 200 मीटर है, ठीक है। देखो 5 सड़क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई नॉर्थ साउथ के समांतर। लेकिन अभी एक ये जो सड़क थी ईस्ट वेस्ट, इसके भी समांतर 5 सड़क खींचना है, बोला था ना 5 सड़क हैं, तो चलो 5 खींचो, एक, देखो इस तरह से भैया सीधी सीधी रोड जाने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ी नहीं होने चाहिए, सड़क सीधी सीधी है ना, तो ये रोड सीधा जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब देखो ध्यान दीजिए साथियों, ये 5-5 सड़कें हो गई हर एक साइड में, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, 5 इधर, 5 इधर, ठीक। जो सड़कें ऐसे ऐसे हैं वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है, नॉर्थ और साउथ के समानांतर हैं। इतना हो गया, इसको एक मॉडल बनाना था, कह रहा था मॉडल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो, जो मैंने नहीं लिखा था उसको देखो, स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देख लेना छोटा छोटा, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो आप ले लेना, और हाँ नहीं तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तेज़ी के साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो मैंने बना लिया था, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दोनों मुख्य मार्गों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये हो गया, सब मैंने कर दिया इतना, ठीक। कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो मैंने इतना कहानी तो कर दिया, लेकिन अभी इतने में इसका पूरा हुआ नहीं, अभी आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहा आपके मॉडल में एक से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, हाँ है, बहुत सारा चौराहा है। देखो ये चौराहा, ये भी है, 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 बहुत सारे चौराहे हैं। क्यों भाई? जहाँ पर दो सड़कें इधर उधर काटेंगे वो चौराहा बन जाएगा, एक राह इधर को जा रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो चौराहे कितना है इस तरह से, देखो खूब सारे चौराहे हैं, सही बात है ना, ये सब चौराहे हैं। जहाँ पर दो रास्ता एक जगह कट रही वो क्रॉस स्ट्रीट है, जिन्हें चौराहा बोला जाता है, क्रॉसिंग।
हाँ, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं। बिल्कुल हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कह रहा कि यदि दूसरी सड़क, ध्यान से समझना, आप समझना क्या कह रहा है इसमें, वो समझना है, बहुत ध्यान समझो। फिर से कह रहा कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई एक से अधिक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। इतने में कुछ नहीं समझना, बिल्कुल है, ये हो सकता है। अब समझना, कह रहा कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कौन सी है, अभी उसके लिए पूरी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब एक उत्तर दक्षिण में है, दूसरी पूर्व पश्चिम में है। ये कोई क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा है जो स्पेशल है। अभी देखो आगे कौन सी है, वो स्पेशल आपके सामने आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है, हाँ, जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा है ये, और दूसरी सड़क, दूसरी सड़क मतलब कौन सी, देखो दूसरी सड़क, एक तो ये मुख्य सड़क थी और ये एक उसकी नॉर्मल वाली सड़क थी। अब दूसरी सड़क का मतलब ये दूसरी हो जाएगी कि ये होगी, सोचो, ये दूसरी होगी कि ये होगी। भाई देखो, इसको अगर समझने की कोशिश करो तब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए, दूसरी सड़क के लिए आप मुख्य सड़क को पहली सड़क नहीं मानोगे, याद रखना, ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो, कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी मतलब ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ठीक है, ये सड़क है कोई, कौन सी है, ये दूसरी सड़क है, कह रहा उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण यही तो है ना, तो यहाँ से ये तो मुख्य सड़क है, ये पहली, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। और पाँचवीं सड़क कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, पांचवी सड़क। अब पांचवी किधर से, पूर्व पश्चिम दिशा में बोल रहा है, पांचवी सड़क, ध्यान से देखो, ये पूर्व पश्चिम है। अब पांचवी सड़क कह रहा पूर्व पश्चिम में जाती है, तब हम इसे 2.5 बोलते हैं। तो देखो, ये नीचे हो नहीं सकती है क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा। आप पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में शुरू में, अभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो नीचे ये पांचवी सड़क हो नहीं सकती, पांचवी सड़क होगी तो इसी में ऊपर ही होगी, इधर भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर x माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर अगर आएगा नीचे तो y माइनस हो जाएगा। जबकि कह रहा है जिसे 2.5 कहेंगे, मतलब प्लस में बोल रहा है ना, तो प्लस में इसी में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता है। तो पांचवीं सड़क किधर से, ये मुख्य सड़क से ऊपर पांचवीं सड़क, एक दो, देखो यहीं से गिन लो चाहे, ये पहली सड़क है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, मतलब ऊपर वाली, और इधर ये यहाँ पे इस पे मिला था ना, ये मतलब यहाँ, इसको तो मैं वैसे बताया था सड़क के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं था कि यहीं पे आके मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ये बोल रहा है ऐसा, क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ठीक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिखाना नहीं 2.5, समझना है। अभी आपसे इसी आधार पे या और भी कुछ पूछ रहा है, जैसे कहते हैं ना, यदि बिल्ली को ऊंट कहा जाए, ऊंट को शेर कहा जाए, तो भालू को क्या कहा जाएगा, वैसे है, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। जो परंपरा मैंने बताया कि 2.5 जो है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्यों होगा, चूँकि यक्स पे 2, ये यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, तो यक्स पे 2, 2 मतलब 1, 2, ये 2 और ये 5 है। इसी परंपरा पर ये बताइए कि 4.3 है वो कितनी जगह पर हो सकता है। भैया 4.3 कितनी जगह हो सकता है, यक्स पे 4 मतलब चौथी सड़क, चलो यक्स इधर है ना, चौथी सड़क वो भी प्लस में, इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा यक्स, इधर ही प्लस होता है। चिन्ह के बारे में अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो देंगे, ठीक। देखो साथियों, करना क्या है, इधर साइड में क्या कह रहा है, 4.3 ना,
तो चार सड़क गिनो इधर साइड में, चार सड़क प्लस साइड में, ठीक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। भैया सड़क तो यही है, अब कहाँ पे होगा ये नहीं पता, अभी जहाँ होगा मिल जाएगा। चार कामा तीन, चार यक्स पे और तीन वाई पर, तो यहीं से तीन ऊपर चलो, एक दो तीन, मतलब यहाँ पर ये है चार कामा तीन। ये क्या है चार कामा तीन जहाँ मैं घेरा हूँ। ये पूछा था कि कितनी जगह चार कामा तीन लिखा जा सकता है, कितने ऐसे चौराहे होंगे जिस पे हम चार कामा तीन लिख सकते हैं, ये बताओ कोई और ऐसा चौराहा है। हर एक चौराहे का अपना मुख्य मान होगा, हर एक का, प्रत्येक का। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो मैं वहल चौराहा, सुभाष चौराहा को, महात्मा गांधी मार्ग को आप सरदार पटेल मार्ग बता दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप जो चौराहा है हर किसी का मुख्य मुख्य अपना अपना मान है, समझ रहे हो ना। जैसे जो इलाहाबाद से होंगे उनको मालूम होगा बालसन चौराहा है, तो उसे सुभाष चौराहा नहीं बोल सकते हो, है ना। मैं वहल है तो उसे आप बालसन नहीं बोल सकते हो। तो उसी तरह से जो चौराहे हैं सबका अपना अपना मान है। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है, इसका उत्तर लिखोगे एक। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 4.3 मान सकते हैं और किसी को नहीं। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3.4 माना जा सकता है, 3.4 मतलब यक्स पर 3, वाई पर 4। तो यक्स पे 3, इधर यक्स है 3, मतलब 1, 2, 3, ये यहाँ है 3, ठीक। ये मैं रोड का चिन्ह लगा रहा हूँ बस, बाकी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। वाई पर 4, यहीं से 4 चलो, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ, यहाँ क्या है भैया, ये 3.4। पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3.4 लिख सकते हो, इसका भी उत्तर होगा एक। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 3.4 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, अगर कोई सोचे कि इस पर क्या लिखेंगे, चलो इस पे क्या लिखेंगे, वाई वाला तो 4 ही है, गिनो 1, 2, 3, 4, वाई वाला तो 4 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाला बदल जाएगा। कैसे, यहाँ से गिनो 1, 2, और यहीं पे है ना, या यहाँ से गिन लो चाहे, देखो 1, 2, ये भाई 1 हो गया है 2 ना, इस पे 2.4 बनेगा, क्या बनेगा 2.4, इस पर 1.4 बनेगा। ये पूछा नहीं था लेकिन मैं अपने से बता दे रहा हूँ, ठीक। इस पर करोगे तो यक्स वाला 0 हो जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ रहा कुछ भी, तो ये 0.4 होगा। चाहे सब का बना लो, हर एक चौराहे का माना जाएगा अपना अपना। अगर इस पे बोलें तो इस पे देखो यक्स पे कितना चल रहा है, इधर 1 और ये 1, 2, 3, 3.4 होगा, 3.4 सही है, गलत है, ये पहले पर है, यक्स पे 1 है, यक्स पर 1 है। वाई पर देखो ये मुख्य सड़क है ना, वाई पर देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर है, मतलब 1.3 होगा, समझ गए ना। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चिन्ह वाला कांसेप्ट समझना होगा, ये किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं यार, देखो जो संख्याएं होती, संख्या रेखा आपने देखा होगा, उस पर दाहिनी साइड सभी संख्याएं प्लस होती हैं, +1, +2, +3, +4, ऐसे ऐसे देखा होगा ना। इधर साइड माइनस होती हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, -1, -2, -3, इधर नीचे भी माइनस होती है, -1, -2, -3, -4 होता है ना, ऊपर फिर प्लस होता है, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे होता है। तो भैया अगर ऊपर चलोगे तो प्लस जाएगा मान, इधर जाओगे तो प्लस जाएगा, लेकिन नीचे आओगे या इधर जाओगे तो माइनस आएगा, इसलिए इस चतुर्थांश का मान प्लस प्लस होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, आपको ये बनाना ऐसे ही है जैसे सब बना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैंने बताया, ये और ये चिन्ह उन्न कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ वही जो रेड कलर घेरा हूँ उतना लिख लो बस, इसको पूरा बना के रेड कलर वाला जो घेरा हूँ उतना लिख लेना, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है। जो स्टूडेंट है 9th वाले और जिनको समझना था उनको तो पूरा देखना है, समझ लें वो बस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाने में थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ये कहानी एक प्रकार से। इसके बाद अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कार्तीय तल, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज और बचेगी 3.3, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति भी क्लास 9 की खत्म हो जाएगी, फिर हम चौथे चैप्टर पर चलेंगे, फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप इस क्लास को YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, खूब सारा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो हम कंप्लीट क्लास YouTube पर उपलब्ध कराएंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे, मतलब 2 लाख संख्या है सब्सक्राइबर की, कम से कम 2-4 हज़ार लोग तो आए 9th वाले ना, अगर उससे कम आएंगे तो फिर ऐप में लेना पड़ेगा, ठीक है।
पूरा क्लास के लिए PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और पूरा देखें। जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखना, ऊपर नंबर दिया गया है, संपर्क करना अगर कुछ और पूछना है तो।